चिट्ठी न कोई संदेश। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि आपके भैया जी का पता चल गया है और हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोग भी परेशान थे कि गोरखपुरिया भौजी के जो पति देव हैं वो कहाँ चले गए, लेकिन फाइनली उनका पता चल गया है और अब उनको लेने जाने की तैयारी की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में लीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर लीक कर दिए तो वो जहाँ भी होंगे भाग जाएंगे और कहने वाले जिनसे बात हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों हिम्मत रखने की बात है और बस इतनी हिम्मत रखी है जब इन्होंने, तो बस थोड़ी हिम्मत और, अब इनको जाना है और अपने पति देव यानी कि महादेव जी को वापस लाना है। लेकिन आगे क्या होता है इसके लिए आप लोगों को रहना है हमारे साथ इस वीडियो में। मैं बताऊँगी कि ये जो गोरखपुरिया भौजी हैं आप कि ये जा भी रही है और मैं दिखाती हूँ इनको जाते हुए। दोस्तों मैं बता दूँ कि इनके जो पति देव जी हैं वो नेपाल पहुँच गए हैं और इनको अब नेपाल ही जाना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बता दूँ कि गोरखपुर से तो नेपाल बॉर्डर जो है वो पास में पड़ता है, लेकिन बात अब दूसरे देश की है तो इसमें बॉर्डर क्रॉस करने की बात है। हालांकि नेपाल जाने के लिए किसी भी तरह का वीज़ा या पासपोर्ट तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है तो हर तरह से लेता है। फिर भी इनके साथ एक मुसीबत लग गई। नेपाल में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और दो दिन तक आना जाना सब बंद है। अब ये जो भौजी हैं ये यहीं पर एक रूम लेकर के रुकी हुई हैं और फिर इन्होंने जाकर के यहाँ पर बॉर्डर पर जो आर्मी लगी हुई है उनसे बात की है, सारी बातें उनको बताई, लेकिन अभी भी वो लोग अंदर नहीं जाने दे रही हैं जब तक कि इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही अपनी प्यारी सी बच्ची को घर छोड़कर आई हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। इतनी खुशी की बात थी कि मुझे ये वीडियो बनाने में तो खुशी हो रही थी, लेकिन फाइनली अभी वो अपने पति से नहीं मिल पाई हैं।